दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल का नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी मिले और आप टाइम पर अप्लाई करें। जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से आ रही है, जो कि ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार का। इसके लिए नोटिफिकेशन 3 मार्च 2021 को रिलीज कर दिया गया है। फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 11 मार्च 2021 को। लास्ट डेट रखी गई है 2 अप्रैल 2021 तक। इसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे शुरू 10 अप्रैल 2021 को और एग्ज़ाम की डेट रखी गई है 17 अप्रैल 2021। टोटल 292 वैकेंसीज है, जिसमें कि कुछ वैकेंसीज एक्सेसमैन के लिए भी रखी गई हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, जिसकी पेमेंट 33,000 से 67,300 रखी गई है। टोटल 186 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि एक्सेसमैन के लिए 9 पोस्ट रखे गए हैं। इसके लिए दोस्तों जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जिनके पास भी डिप्लोमा है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज 21 से 28 साल रखी गई है। दूसरी जो वैकेंसी मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की, 19,500 से 40,000 की करीब पेमेंट रखी गई है। टोटल 52 पोस्ट रखे गए हैं, एक्सेसमैन की 2 पोस्ट रखे गए इसमें। इसके लिए भी ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, NCVT या फिर SCVT मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास ITI होना चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों 21 से 28 साल रखी गई है एज, और एक्सेसमैन को जो छूट मिलती है हर पोस्ट में वो मिलेगी, जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है मेंटेनर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, 19,500 से 40,000 पेमेंट रखी गई है। टोटल 24 पोस्ट हैं, जिसमें कि एक्सेसमेंट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, ITI जरूर रखा गया है, NCVT या फिर SCVT इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपके पास ITI होना चाहिए। 21 से 28 साल के जो भी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार छूट मिलेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मेंटेनर सिविल की, इसके लिए भी 19,500 से 40,000 के करीब पेमेंट रखी गई है। 1 पोस्ट एक्सेसमेंट के लिए रखी गई है, टोटल 24 पोस्ट है। इसके लिए भी ITI होना चाहिए आपके पास, NCVT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा आपके पास फिटर ट्रेड का ITI आपके पास होना चाहिए। 21 से 28 साल इसके लिए भी एज रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, सबसे पहले इसमें रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद साइको टेस्ट होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। सब वैकेंसीज के लिए यही नियम फॉलो किया गया है, और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है B1 के हिसाब से होगा। इसके लिए आप लोगों को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upmetro.com के माध्यम से अप्लाई करना होगा, जिसका कि लिंक अवेलेबल हो गया है। रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, जिसमें कि अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज रखा गया है। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो NE1 है। NE1 का मतलब है यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, उनके लिए 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों वो है NE2 और NE4 यानी कि मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और सिविल, उनके लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सभी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि ट्रेड से रिलेटेड होंगे और कुछ अन्य क्वेश्चन भी होंगे। टोटल टाइम मिलेगा 2 घंटे का मिलेगा, 2 घंटे के अंदर आप लोगों को पेपर को हल करना होगा। एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन जो सेंटर होंगे उसका भी पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, उसके अलावा ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। पता है कि यदि डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं तो सेंटर भी और खोले जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग सिक्योरिटी बॉन्ड दिया गया है, यदि आप 3 साल से पहले नौकरी छोड़ते हो तो इतना जो अमाउंट है आप लोगों को जमा करना होगा, यदि आप 3 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो। पेड अलाउंसेस, ट्रेनिंग के दौरान जो प्रोविज़न पीरियड होता है 2 साल का होता है, उसके बाद आपको जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, जो भी अलाउंसेस हैं, वो सभी दिए जाएंगे। रिजर्वेशन का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं उसके हिसाब से दिया जाएगा। एज इसके लिए 21 से 28 साल रखी गई है, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रूल है उसके हिसाब से छूट मिलेगी और 3 साल का यहाँ पर और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो मैक्सिमम अप्लाई करने की डेट है दोस्तों 40 साल तक, जिसकी भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इन्होंने 40 साल यहाँ पे रखा हुआ है। उसके अलावा 1/3/2021 से पहले जो रिटायर आ चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 590 रखा गया है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 236 रुपये रखा गया है। किस तरह से अप्लाई करना है उसका डिटेल्स भी यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप एक बार भर
भरते हैं फॉर्म को तो नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें। जो भी टेक्निकल ग्रुप्स हैं दोस्तों, जिसमें कि सिग्नल हो गया, EME है, या फिर एयरफोर्स के टेक्निकल ग्रुप के हैं, नेवी के टेक्निकल ग्रुप के हैं, या फिर जिनके पास डिप्लोमा है या जिनके पास ITI सर्टिफिकेट है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।